हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड क्लास। मैं आपकी मैथ्स टीचर। आज मैथ्स में आपको चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 करवाऊंगी। एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द बॉक्सेस यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसमें टेबल को पढ़कर हमें बॉक्सेस को फिल करना है। 17 4 = 68, 11 3 = 33, 16 5 = 80, 15 8 = 120, 24 = 80, 17 3 = 51, 12 6 = 72, 15 2 = 30, 12 8 = 96। स्टूडेंट्स, ये सेम जैसे मैंने किए हैं ऐसे ही आपको करने हैं। क्वेश्चन 2, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट नंबर। स्टूडेंट, यहाँ पर ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, इनको फिल करना है आपको। कैसे करेंगे? ए, ये बॉक्स फिल करना है। कैसे करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा कैसे आएगा, देखिए बच्चों, इन 5 को और 55 को हमने डिवाइड किया। कैसे किया? 5 को हमने इधर लिखा, जैसे हम डिवाइड करते हैं, 5 को इधर लिखा, 55 को मिड में लिखा। 5 का टेबल काउंट किया, 5 1 = 5, 5 में से 5 माइनस किया, 5 में से 5 माइनस किया, 0 आया, 5 को कॉपी किया, फिर 5 1 = 5, 5 को माइनस किया, 0 आया, तो क्या आया आंसर? ये क्वेश्चन क्या आया? 11। तो हमने यहाँ पर 11 लिखा। इन बॉक्सेस को फिल करने के लिए हमें इन दोनों की डिवाइडेशन करनी होगी। स्टूडेंट, इसी तरीके से बी में भी, बी में हमें ये बॉक्स फिल करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइडेंट हमारा ये होगा और डिवीज़र हमारा ये होगा। तो हमने डिवीज़र यहाँ पर लिखा, डिवाइडेंट बीच में लिखा, टेबल काउंट किया, 7 1 = 7, 9 में से 7 गया 2, माइनस किया, 2 आया, 8 को नीचे कॉपी किया, 7 4 = 28। तो ये क्वेश्चन जो आया वो यहाँ पर आंसर हो गया। इन बॉक्सेस को फिल करने के लिए इन दोनों का डिवीज़न किया जाएगा तो ये बॉक्स फिल हो जाएगा, बीच वाला बॉक्स। स्टूडेंट, इसी तरीके से सी देखिए। अब सी में क्या है, बीच में बॉक्स नहीं है, इस साइड बॉक्स है, तो इस साइड बॉक्स को भी फिल करने के लिए हम इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे। अब इसमें डिवाइडेंट हमारा यही नंबर रहेगा जो इक्वल के बाद आया है, लेकिन डिवीज़र हमारा चेंज हो गया, इसमें डिवीज़र हमारा ये हो गया। तो 11 हमने यहाँ लिखा डिवीज़र, और डिवाइडेंट बीच में लिखा, हमने टेबल काउंट किया, 11 4 = 44, माइनस किया, 0 आया, तो क्वेश्चन क्या आया, 4। इस बॉक्स को फिल करने के लिए हमें इन दोनों को डिवीज़न करना होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट डी देखिए। अब इस साइड बॉक्स को हमें फिल करने के लिए इन दोनों का डिवीज़न करना होगा। ये डिवाइडेंट रहेगा जो इक्वल के बाद आया है, और ये डिवीज़र हो जाएगा। डिवीज़र को हमने यहाँ लिखा, डिवाइडेंट को बीच में लिखा, 18 6 = 108, माइनस किया, 0 आया, क्वेश्चन आया जो 6, वो ये आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया इन दोनों के डिवाइड करने से ये आंसर आएगा, इन दोनों को डिवाइड करने से ये आंसर आएगा, और इन दोनों को डिवाइड करने से ये आंसर आएगा, इन दोनों को डिवाइड करने से ये आंसर आएगा। कोई भी बॉक्स जो खाली है अगर हमें उसे फिल करना है तो दो नंबर को डिवाइड करना होगा, और इक्वल के बाद वाला नंबर डिवाइडेंट होगा और इधर वाला नंबर डिवीज़र होगा। इस तरीके से जैसे मैंने फिल किया है ऐसे ही सेम आपको फिल करना है। स्टूडेंट्स, यह वर्क आपको नीट एंड क्लीन करना है। ओके।